हेलो दोस्तों, मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ शालू। और आज हम ना ये फ्लावर पॉट बनाएंगे। ये काफ़ी बड़ा है और इसे हम घर में ही बनाएंगे, वो भी वेस्ट मटेरियल से। बनाना तो इजी है, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है और पेशेंस तो हम लोगों में कूट कूट कर भरा है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने ये वेस्ट मटेरियल है ना, ये इस तरह की बॉटल मेरे पास रखी हुई थी, उनका मैंने यूज़ किया है। तो इसका ना मुझे एक पाइप जैसा बनाना है। अगर आपके पास पहले से कोई प्लास्टिक का पाइप रखा हुआ है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बट मेरे पास नहीं था तो बस मैंने बना लिया था। तो मेरे पास जो बॉटल है ना, मैंने उनका यूज़ करके बनाया है। ठीक है, टेप लगाने से पहले ना मैंने इसमें जो फेविक ग्लू आता है ना, वो मैंने लगा दिया था इस तरीके से। और ये लगाने के बाद फिर मैंने दूसरी बॉटल को जॉइंट किया और दोनों को सेव करने के लिए मैंने इस तरीके से टेप लगा दिया था। ये मैंने पूरा पाइप तैयार कर लिया है बॉटलों से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉटन का कपड़ा होता है ना, जैसे मैंने तो कॉटन की चुन्नी ली है। आप ये ध्यान रखना कि हमें कॉटन ही लेना है, जो भी है आपके पास, चद्दर हो वो भी चलेगी। फिर मैंने पानी लेके उसमें ग्लू मिला दिया है, और ग्लू लेकर मैं जो कॉटन है ना हमारा, चुन्नी है या जो भी आपके पास कपड़ा है, उसको मैं इसमें सोक कर लूँगी। और इसी में ही मैं जब सोक हो जाएगा ना, तो फिर इसमें वाइट सीमेंट और वॉल पुट्टी होती है ना, वो मैं मिला दूँगी। तो उससे ये है ना कि जब ये सूख जाएगा ना, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाइप बन के तैयार होगा, जो फ्यूचर में कभी भी नहीं टूटने वाला। तो भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारी मेहनत भी तो सफल होनी चाहिए ना। तो बस इस तरीके से हमें लपेटना है जो कपड़ा है ना, उसको हम लपेट देंगे इसमें पूरी बॉटल में। कोई ऐसे इसमें फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि जो हमने पाइप बनाया है वो अभी ना टूटे। एक बार ये सूख जाएगा तो फिर तो टूटने का चांस ही नहीं है। बस आप इस तरीके से लपेट दीजिए और इसे रख दीजिए सूखने के लिए। सूखने के बाद हमें क्या करना है, जो न्यूज़पेपर है ना, उनको इस तरीके से हमें रोल करके बस रखते जाएंगे। अब इसके लिए चाहिए हमें ढेर सारे न्यूज़पेपर, बस इस तरीके से रोल करते जाइए और रखते जाइए। जब पूरा हो जाए आपका ये काम, तो हमें जो मटकी का शेप होता है ना, जैसे हमें जिस डिज़ाइन में पॉट बनाना है ना, उस डिज़ाइन के हिसाब से हम इस न्यूज़पेपर को इस पर चिपकाएंगे। अब देखिए चिपक नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया, जो टेप आता है ना फर्नीचर के लिए यूज़ होता है, वो वाला टेप मैंने लिया। कागज़ का होता है वो, इसलिए कट भी जाता है, तो वही वाला टेप यूज़ कीजिए करेगा। इससे क्या होगा ना, इसमें भी जो ट्रांसपेरेंट वाले होते हैं ना, वो निकल जाते हैं, ये निकलेगा नहीं। बस उसी की हेल्प से मैं चिपकाती जाऊंगी। और ग्लू भी ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि टेप निकल जाएगा लेकिन ग्लू नहीं निकलेगा। बस इस तरीके से ग्लू लगाते जाइए और अपना टेप के थ्रू इसको जोड़ते जाइए। हमें अपने हिसाब से इसमें लपेटते जाएंगे और एक मटकी जैसा शेप आ जाए, जो हमें पॉट का शेप देना है हमारा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हमें क्या करना है, न्यूज़पेपर के ढेर सारे ऐसे टुकड़े कर लेंगे और सेम प्रोसेस हमें फिर से करनी है। हमें कटोरे में वाइट सीमेंट, वॉल पुट्टी और फेविक ग्लू मिलाकर, मतलब फेविक ग्लू और पानी मिलाकर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। और जब ये पेस्ट बन जाएगा, तो इसमें जो न्यूज़पेपर के टुकड़े हैं ना, उनको हम सोक कर लेंगे। और सोक करने के बाद इस तरीके से न्यूज़पेपर के टुकड़ों को उठा उठा कर, ये जो होल दिख रहा है ना आपको, लपेटते समय जो होल इसमें रह गए हैं ना, उन होल में हम अच्छे से भर देंगे। उससे हमारा जो ये जो बेस है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और कभी अगर ये गिरता भी है तो कभी नहीं ख़राब होगा। बस हमें इस पूरी प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से करना है, इसमें बिल्कुल भी हमें कंजूसी नहीं करनी है। ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस हम इसे करते जाएंगे और जितने भी होल हैं, कहीं भी हमें कोई भी होल छोड़ना नहीं है, पूरे में हम
कर देंगे आराम से, कर सकते हैं। और जब ये हो जाएगा तो हमें क्या करना है, कॉटन की चुन्नी लेनी है। चुन्नी लीजिएगा, वो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। और हमें सेम प्रोसेस फिर से करनी है। हमने इसमें ग्लू लिया, वाइट सीमेंट और वॉल पुट्टी लेकर हम इसको गीला करके इस तरीके से बिछा लेंगे। और हमें यहाँ पर इस सेंटर पर, मतलब एक साइड चुन्नी ज़्यादा होनी चाहिए और एक तरफ कम, और इस तरीके से पॉट को रख के चुन्नी को हम इस तरीके से लपेटेंगे। देखिए ये आपको ना अपने ही हिसाब से करना है, क्योंकि आपको कैसी डिज़ाइन चाहिए, कैसा आपने सोचा है। और सच बताऊं दोस्तों, जो हम होममेड बनाते हैं ना, हम सोचते कुछ हैं, बनाते कुछ हैं और बन कुछ और जाता है। बस जो भी बनता है ना, उसका रिज़ल्ट बहुत ही बेस्ट होता है। आप ट्राई ज़रूर करिएगा, देखिएगा आपका जो रिज़ल्ट आएगा ना, वो देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। और आप जो इतनी मेहनत करोगे ना, पूरी मेहनत आपकी सफल हो जाएगी जब आप अपने रिज़ल्ट को देखोगे। तो भाई मेहनत तो करनी होती है, मेहनत के बिना तो हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट। और जब ये सूख जाएगा ना अच्छे से, इसको हमें ना सूखने में एटलीस्ट ओवरनाइट रखने से भी ज़्यादा, मतलब धूप में भी इसको रखना पड़ेगा, तब जाके ये अच्छे से सूखेगा। जब ये पूरी तरीके से सूख जाएगा ना, उसके बाद ही हम आगे ये प्रोसेस करेंगे। तो जब ये सूख गया तो अब मैं करूँगी पेंट। अब पेंट ये आपकी चॉइस है, आपको कैसा पेंट करना है, किस कलर कॉम्बिनेशन का आपको रखना है। अब जैसे मुझे थोड़ा डार्क चाहिए था, इसलिए मैं इसमें ब्लैक पेंट कर रही हूँ। आप चाहो तो वाइट या ग्रे, जो भी आपका फेवरेट कलर हो, या फिर आपके घर से जो मैच कलर कर रहा हो, आप वो कर सकते हैं। अब मुझे ब्लैक चाहिए था, मतलब थोड़ा डार्क टच में, इसलिए मैं पूरे में ब्लैक करूँगी। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी और ये भी आसानी से हो जाता है यार। जब हम कुछ काम करते हैं ना, मन लग जाता है ना, तो सबसे अच्छा हमें वही लगता है। अब देखिए इसमें ये होने के बाद ना, ये जो लेयर दिख रही है ना, ये लेयर ना हम इसे टचअप देंगे, कलरफुल टचअप, और उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब ये लेयर दिख नहीं रही है, लेकिन देखिए टचअप होने के बाद ये लेयर हाईलाइट हो जाएंगी। तो देखिए मैं तो इसको हाथ से करती हूँ। अगर आप किसी और चीज़ से करने में कंफर्ट हैं, जैसे कि कोई हम टिश्यू ले लेते हैं, या न्यूज़पेपर ले लेते हैं, कोई कपड़ा ले लेते हैं, या ये स्पंज का छोटा सा कोई भी टुकड़ा ले लें, मैं उन हाथ से ज़्यादा कंफर्ट में रहती हूँ, इसलिए मैं हाथ से ये काम करूँगी। अब देखिए आपने गोल्डन से इसे टचअप दे दिया, और कॉपर से जो ब्लैक ब्लैक और है दिख रहा है ना, तो वहाँ पर हम पूरे में ये कॉपर कलर कर देंगे। और इसके बाद भी ये देखिए, इस होने के बाद ऐसा दिखेगा। और इसके बाद भी हमें और भी इसमें कलरफुल करना है, तो मैं ना जो और जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, वहाँ मैं ब्लू टच डाल दूँगी। ब्लू से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन तो यार बेस्ट है, तो मैंने ब्लू कर दिया है। और इस ब्लू पूरे में करने के बाद जहाँ भी ब्लैक और दिखेगा, तो मैं वहाँ ग्रीन कर दूंगी। ग्रीन कलर देने के बाद हमारा ये हो जाएगा पूरी तरीके से कंप्लीट। अब जब ब्लैक और भी जहाँ भी मुझे दिखेगा, मुझे जितना इसे कलरफुल करना है, मैं और भी इसमें कलर डाल सकती हूँ। जैसे मैंने ब्लू, ग्रीन, येलो, कॉपर, रेड और गोल्डन कलर, इन सब का मैंने इसमें कॉम्बिनेशन डाल दिया है। और डालने के बाद जब ये अच्छे से सूख जाएगा ना, तो सूखने के बाद हम देंगे इसको फाइनल टच। तो उसके लिए हम वुड शाइनर आता है, रेजन आता है, जो भी आप यूज़ करना चाहें वो आपको ऑनलाइन ईजिली मिल जाएगा। मैं दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब देखिए मैंने रेजन का यूज़ किया है, उसको अच्छे से मैंने इस पर पेंट कर दिया है। और देखिए शाइन ना बहुत ही खूबसूरत आई है, और शाइनिंग के बाद ना हमारा पॉट और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा। बस हो गया हमारा पॉट तैयार, आया ना रिजल्ट अच्छा। तो ऐसे ही नई वीडियोस के साथ मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।